हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। जिंदगी जब पिछले कई बरसों से आपकी बूंद आपकी बैंड बजाती आ रही है, तो ऐसे में नए साल में दाखिल होने से पहले कुछ वादे खुद से करना नॉर्मल है। आइए इन पांच पहनी अख्तारों की बात करते हैं जिनको लगता है कि वो नए साल में लाम उखाड़ के कोई नाम बनाएंगे। पहले बारी आती है सल्लू भाई के तुन्नी तक पर जान कुर्बान कर देने वाले नए वॉनबी बॉडी बिल्डर्स की। इन बहन के पकौड़ों को लगता है कि अगर पहली जनवरी से जिम के सारी मशीन्स पर मातर छितर किस्म की गेम लगा दी जाए तो ईद उल फितर तक ये लोग ऋतिक रोशन लगेंगे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू लुक लाइक ऋतिक रोशन व्हेन यू जस्ट कैन सिंपली स्टॉप यूजिंग हनी लोशन। इनको लगता है कि इज्जत शौहरत दौलत तो मिल जाएगी लेकिन औरत सिर्फ जिस्म मनाने से मिलेगी, इसलिए नए साल से जिम करना शुरू। देखो भाई, बदन तो तुम गोभी देवल जैसा बना भी लोगे लेकिन बूथे पे जो फिटकार है वो सिर्फ और सिर्फ नीयत साफ करने से जाएगी। एक्साइटमेंट में आके ये बिना वार्म अप या ट्रेनर के सारी मशीन्स की मदद सिस्टर टुगेदर करते हुए एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी सुनील शेट्टी बनने का है। आइए टायर बदल लीजिए। लग पता तब जाता है जब दो दिन के बाद मसल्स के लसन लग जाते हैं और इनको लॉक लग जाते हैं दर्द के मारे, फिर ये लोग इस तरह कुछ कहते हैं। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। अब वो लोग जो सोचते हैं कि नए साल में इस अंदाज से तशरीफ टिका के पढ़ाई करेंगे कि भैया भूकंप आ जाए, टट्टी पिट्ठी के दहलीज पे आ जाए लेकिन वॉशरूम तक नहीं जाना बिना चैप्टर खत्म किए हुए, टॉप करना है मादर छोड़िया। ये वही लोग हैं जिनके पेपर में तीन सवाल देख के भी तरह निकल जाते हैं क्योंकि पहले जो दो सवाल है उनके पेपर में आने की इतनी उम्मीद नहीं थी और जो तीसरा सवाल है वो तो मैंने आसान समझ के छोड़ दिया था। साल खत्म हो गया, गिल्ट तो होना ही था लेकिन किसी जमाने में वो इस सोच पे अपने मजहब से ज्यादा पुख्ता यकीन रखते थे। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे रब करेगा पास। ये अड्डे कोई बम रमी किस्म के लोग होते हैं कि अगर उद्धम उदासी के अंगारों पे चलने के बाद इन्होंने कभी खुदकुशी का फैसला ले ही लिया लेकिन तभी चुनको कोई मैसेज आ गया कि आपका जिगरी दोस्त भी फेल हो गया तो उसी फांसी के फंदे के साथ ये लोग पेंडुलम की तरह लटकते हैं। हकीकत यह है कि नए साल में सिर्फ 9 मिनट के लिए इनकी मोटिवेशन चलती है, 10वें मिनट में उसी दोस्त के साथ शर्मगाहों को पत्तों से ढकते हुए तकरीबन नंगा नाच नचाते हुए दिखेंगे ये आपको लोग। हर साल अब्बे के एतबार के साथ हम बिस्तरी कर देंगे और हर साल की तरह वालिद साहब दो किस्म के वार करेंगे, या तो मादर छितर मार के पिट्ठी बबून की पिट्ठी से ज्यादा सुझा देंगे या फिर उनके मगज में कुछ इस तरह के आइडियाज आएंगे। इससे अच्छा इसको दर्जी बना लेते, कम से कम ईद के दिन कपड़े तो सिलके मिल जाते मुफ्त में। यार समो, वैसे तुम भी तो इस कैटेगरी में आते हो ना। नहीं मैं नालायक था लेकिन एक मिनट में इसको क्यों जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ इसको चुप करो, मैं बड़ा बदतमीज आदमी हूँ, यहाँ पेशाब करके चला जाऊंगा। वीना मलिक के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर कोई चौंका देने वाली बात है तो वो एक पैन यकतारा किस्म के दोस्त का वादा कि वो आइंदा साल में तशरीफ के दायरे में रहेगा। किसी शख्स का रेजोल्यूशन होता है कि वो नए साल में नेक रहेंगे, मतलब कि यार तबीयत से बदतमीज आदमी जो चौक में खड़े होकर चिल्ला के गाता था कि मुझे बहने दे मुझे बहने दे बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे। नए साल की आमद में वही बंदा आपके कान से टूटियां निकाल के आपको ये कहता है, ब्रदर यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक दैट इज हराम। 2017 में ढिंचक पूजा की स्वैग वाली टोपी पहनने वाला बंदा 2018 में मदरसे की टोपी पहने हुए दिखे तो भाई हैरानियत से मुंह पुराने जुराबे की तरह क्यों नहीं फटेगा। जिस सानिया की सच्ची मोहब्बत के लिए सूरत से पहले वो यूनिवर्सिटी आया करता था, आज उसी सानिया को वो बहन बना दे तो शौक के मारे अखरोट हलक तक कैसे ना आ जाए। मैं सानिया को बहन की नजर से देखूंगा, मैं चावल खैरात में बटवाऊंगा। लेकिन उनका यह हाजी फेस कुछ ही अरसे के लिए चलता, बाद में फिर किसी बिल्कीस से दिल लगा बैठते हैं। ये टेम्पररी हाजी, मैंने सिगरेट छोड़ दिए बोल के सुट्टा ब्रोस के जोन से भी टेम्पररी बाहर निकल जाते हैं। जीपीए में चौका लेने वाले जिनके पढ़ पढ़ के बूथे बुक जैसे हो गए होते हैं, यानी कि फेसबुक जैसे हो गए होते हैं, उनमें से कुछ के न्यू ईयर गोल्स इस तरह बनते हैं कि भाई देखो सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, इस दफा पार्टी करेंगे। मौत और टट्टी कभी भी आ सकती है, इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना लाइफ को एंजॉय किया जाए, पार्टी पार्टी बूज बूज किया जाए। अंत लेवल के थीटे जब चरस के चीटे लगाने लगे तब पता चलता है कि भाई वक्त तो क्या कुछ दिखा देता है। यूट्यूब पे साइंस की वीडियोस देखने का नशा छोड़ के पंचर वाले ट्यूब का नशा शुरू करेंगे। रेजोल्यूशन ये है कि भाई बेशक सलूचन तक आ जाए लेकिन पार्टी पार्टी करेंगे, बस हो गई किताबों से। सिगरेट की पफिंग तो पहली जनवरी से शुरू कर देते हैं, भाई उनके तो ख्याल ही बदल जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब नहीं? नहीं मैंने शराब कोई, आप पान? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ।
सुपारी नहीं सुपारी सर, क्यों जिंदा रहते हैं आप? बारी आती है सिंगल फ्रेंड जोन तरसे हुए लोगों की, जिनके सर पे चांदी आ जाएगी लेकिन ये कुछ ना उखाड़ सकेंगे ना झंडा गाड़ सकेंगे। इनका बरसों का ख्वाब ही इनका रेजोल्यूशन होता है कि भाई इस साल तो इस दफा तो किसी औरत जात के साथ अपना सीन शीन ऐन गैन सब ऑन करके रहना है, फ्री दम लेना है। लेकिन बात करते वक्त हवा इनके पतले पांचे से सीटी मार के निकल जाती है, और अगर हिम्मत करके हिम्मत वाला बन के अगर गए भी तो कुछ इस तरह बोलते हैं। शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत है। उतनी गया चुप रहा तो चिड़िया चुक जाएगी खेत, सारा सीन एंड टाइम पे अखरोट पैदा करने का होता है। वरना देखते रहो शेट्टी भाई की तरह अपनी मोहब्बत को रकीब की बाहों में अंगड़ाइयां लेते हुए तरसे हुए तीसरे पहिए की तरह। साल गुजर जाता है इसी तरह, साइकिल रिपीट हो जाता है, यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले दोस्तों को इसकी मर्दानगी पे शक होने लगता है। एक खुसरा पे या तो अपने आप से इतने पुठे वादे किया ना करो, लेकिन अगर करते हो तो भाई देखो तो वादा फिर तोड़िए ना। उम्मीद है 2018 आपका प्रोडक्टिव साल होगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।